आज मैं दोशे का आलू बना रही हूँ। देखिए भुड़ता, इसमें 1.5 चम्मच तेल डाली मैं। चूल्हा तेज़ करी, देखिए 1.5 चम्मच तेल डाल के 1 चम्मच रई डाली। रई को अच्छा गर्म होने दी। उसके बाद मैं 4 लाल मिर्ची को कट करके डाली। देखिए थोड़ा करियापाक डाली लाल मिर्ची, जर्रा लाल होने के साथ ही जो चूल्हा तेज पे छे। देखिए जर्रा उसको अच्छा भुनी, देखिए लाल मिर्ची और करियापाक को। उसके बाद मैं खड़ी प्याज कट करके डाली। देखिए 1.25 किलो प्याज है ये, 1/2 किलो आलू रहे तो 1.25 किलो प्याज डालना। देखिए तो ये आलू में प्याज जो रहती ना, जब दोशे के साथ खाए तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रहती। प्याज को पूरा नहीं भून रही, देखिए मैं कच्चा बोलते ना वैसा भुनी मैं। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी डाली, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। तो मैं 10 हरी मिर्ची को इसमें मोटा मोटा मैं कूट ली थी, देखिए मिक्सर में नहीं पीसी, मोटा मोटा कूट के डाल रही हूँ मैं। तो 1 चम्मच अदरक लहसुन डाली, अदरक लहसुन और हल्दी नमक को अच्छा भुनी प्याज में मैं। चूल्हा कम करी, देखिए। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची, 10 हरी मिर्ची को मोटा मोटा मैं कूट ली थी, उसको कूट के डाली। देखिए तो ये आलू में हरी मिर्ची डालना तो कलर से भी अच्छी दिखती, उन्हें सूरत भी अच्छी दिखती, खाने में भी ज़बरदस्त दिखती। देखिए वो एकदम आलू उठ के आता और खाने में भी बहुत टेस्ट रहता उसमें। तो मैं इसको अच्छा 10 से 15 मिनट भुनी, देखिए। उसके बाद मैं आलू को उबाल ली थी, 1/2 किलो आलू है देखिए ये। तो आलू को उबाल के उसको अच्छा मैं हाथ से पूरा अच्छा मिक्स करी, देखिए आलू को मिक्स करके उसके अंदर अच्छा मैं अब चूल्हा कम करके उसको मिला रही हूँ। देखिए 1 से 2 मिनट अच्छा मिलाई मैं नीचे ऊपर ये पूरी प्याज का मसाला पूरा लगे बाद। फिर उसके बाद मैं 1-2 मिनट ढक्कन ढाँप के निकाली, देखिए। तो इसमें पानी छुड़ता, आलू में पानी नहीं डालना देखिए ज़्यादा, अगर जर्रा भी पानी छूटे तो ना भुड़ता, ये पूरा अच्छा नहीं रहता, पानी छूटे तो एकदम ढीला ढीला रहता। इसमें 1 कोथमीर डाली मैं, 1 कोथमीर डाल के 1-2 मिनट रख के निकाल देती हूँ। देखिए तो अच्छा बहुत मज़े का ये जो दोशे के साथ खाते ना तो बहुत ज़बरदस्त दिखता, दोशे और चटनी के चटनियों के साथ मिला के खाए तो। ये आलू नहीं सो दोशा खाना से बोलता, देखिए तो इतना मज़े का और इतना टेस्ट रहता है। ये सिंपल रेसिपी है, देखिए ये 10 से 15 मिनट में होगा तक होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।